हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम एंड हियर एम बैक विद अनदर वीडियो सो आज हम डिस्कस करेंगे टी वाई वी कॉम सेमेस्टर सिक्स जो पेपर हुआ था उसके ऑब्जेक्टिव्स को तो पहले हम ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे एंड स्लोली एंड स्टडीली हम बाकी के भी क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं तो अगर आपने अभी टी का एग्जाम दिया हुआ है तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव्स को अपने मैच कर सकते हैं एंड जो लोग एमकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं एमकॉम के स्टूडेंट्स भी इन ऑब्जेक्टिव्स को रेफर कर सकते हैं बिकॉज इसमें से आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे तो वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग विद वन वन ऑब्जेक्टिव अस स्टार्ट फर्स्ट वन एच जी एस टी इज़ एप्लीकेबल वेन ऑप्शन नंबर ए गुड्स आर सोल्ड विद इन द स्टेट गुड्स आर सोल्ड फ्राम वन जी एस टी डीलर टू अ कस्टमर गुड्स आर सोल्ड फ्राम वन जी एस टी डीलर टू अनदर जी एस टी डीलर एंड इंटर स्टेट सप्लाई काफी सिंपल है एच जी एस टी का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये कब एप्लीकेबल होता है तो काफी सिंपल कंसेप्ट है अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसका आंसर ईजिली दे पाएंगे जब हम एक ही स्टेट में गुड्स बेचते हैं एक ही स्टेट में तब हमें एस जी एस टी लगता है और सी जी एस टी भी लगता है और जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स बेचते हैं तब हमें आई लगता है विच इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स यहां पर एस एस के बारे में बोला है तो इसका राइट right आंसर हमारा होगा गुड्स आर सोल्ड विद इन द स्टेट तो ऑप्शन नंबर वन विल बी द राइट आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं डैश इज द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्न ओवर इन द प्रिस फाइनेंशियल ईयर फॉर ऑप्टिंग टू टैक्स तो पे टैक्स अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में पूछा है और वो भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के बारे में पूछा है तो इसके लिए आपको लिमिट्स क्लियर होनी चाहिए अगर हम कॉम्पोजिशन स्कीम की बात करें तो उसमें दो अमाउंट्स आपको याद रखने हैं नंबर फर्स्ट मैक्सिमम लिमिट वन करोड़ फिफ्टी लैक्स और नंबर सेकेंड सेवेंटी फाइव लैक्स अब ये दो अमाउंट्स आपको याद रखने मैक्सिमम लिमिट का मतलब जो भी स्टेट्स स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में नहीं आते हैं उनके लिए डेढ़ करोड़ का है डेढ़ करोड़ से कम अगर आपका एग्रीगेट टर्न रहेगा तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अगर डेढ़ करोड़ से ज़्यादा रहेगा तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के बेनिफिट को नहीं ले पाएंगे बट यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बोला है तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए लिमिट कितना है सेवेंटी फाइव लैक्स तो आपका सेकेंड जो ऑब्जेक्टिव था मल्टीपल चॉइस इसका आंसर बन जाएगा सेवेंटी फाइव लैक्स थर्ड में जाते हैं डैश इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी एनी एग्जीबिशन बिजनेस एग्जीबिशन सेकेंड है अ बिजनेस एग्जीबिशन इन इंडिया थर्ड है अ बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया एंड नन ऑफ दी अब तो इसमें से कौन सा एग्जेम्प्टेड है जीएसटी में अगर एनी बिजनेस एग्जीबिशन की बात करें वो तो नहीं हो सकता इंडिया के एग्जिबिशन एग्जीबिशन की बात करें तो वो तो टैक्सेबल हो जाएगा तो इसके लिए राइट right आंसर आपका बनता है ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ बिजनेस एक्जिबिशन आउटसाइड इंडिया विल बी द राइट आंसर फॉर ऑब्जेक्टिव नंबर थ्री नेक्स्ट इज टैक्स इन्वाइस मस्ट बी इशूड बाय डैश ऑन सप्लाइज मेड बाय हिम तो टैक्स इन्वाइस जो है किसने इशू करना चाहिए एवरी सप्लायर ने करना चाहिए एवरी पर्सन ने करना चाहिए कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन नॉट पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन देखो बेसिकली टैक्स इन्वाइस जो होता है वो किसने इशू करना चाहिए हर एक बंदे ने जो रजिस्टर्ड है और जो कॉम्पोजिशन के बेसिस पे टैक्स नहीं भर रहा है तो इसका राइट right आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दैट इज एवरी रजिस्टर्ड पर्सन नॉट पेइंग टैक्स अंडर द कॉम्पोजिशन नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर फाइव में द लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स शैल अराइज एट द डैश डिस्पैच ऑफ़ द गुड्स रिमूवल ऑफ द गुड्स टाइम ऑफ सप्लाई या डिलीवरी ऑफ द गुड्स तो काफ़ी सिंपल है लाइबिलिटी टू पे द टैक्स ऑन द गुड्स कभी अराइज होता है ये तभी अराइज होता है टाइम ऑफ सप्लाई के वक्त ही अराइज़ होता है तो राइट right आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई नेक्स्ट पॉइंट ये काफी सिंपल क्वेश्चन था लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसमें मिस्टेक किया होगा लेट अस सी कैसा क्वेश्चन है ये कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है यहाँ पे कमलेश परचेज गुड्स फॉर विच टैक्स इनवॉइस वाज वॉज वन डबल जीरो एट हंड्रेड and this has been including GST of 12% the input tax credit under GST shall be अभी बहुत सारे बच्चों ने इसमें गलती क्या की होगी ये वन लैक ,00 पे डायरेक्ट वन लैक एट हंड्रेड पे डायरेक्ट ट्वेल्व परसेंट ढूंढ लिया होगा और आपने इसमें से ऑप्शन मैच कर दिया होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है यहाँ पे एक वर्ड है विच इज कॉल्ड इंक्लूडिंग जीएसटी तो ऐसे केस में क्या करना है वन डबल जीरो एट हंड्रेड में जीएसटी पहले से ऐड है कितना परसेंट ऐड है ट्वेल्व परसेंट तो आपको करना कैसा है 112 परसेंट की वैल्यू आपके पास दी हुई है कितनी दी है वन डबल जीरो एट हंड्रेड ठीक है एक सौ बारह की वैल्यू आपके पास डी है वन डबल जीरो एट हंड्रेड वन डबल जीरो एट हंड्रेड ये एक सौ बारह की वैल्यू है तो हमें जीएसटी कैलकुलेट करना है ठीक है तो हमें जीएसटी कैलकुलेट करना है तो आपकी जीएसटी की वैल्यू कितनी है ट्वेल्व परसेंट की वैल्यू कितनी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम वन डबल जीरो एट हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई ट्वेल्व डिवाइडेड बाय एक सौ बारह तो आपको आंसर आ जाएगा दस हजार आठ सौ बहुत सारे बच्चों ने इसमें मिस्टेक किया होगा तो नेवर द लेस लेकिन आपको सही तरीके पता होनी चाहिए कि इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना था फर्दर बनते आगे पॉइंट नंबर सेवन में जाते हैं डैश रेफर्स टू रिसीट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेदर बाय परचेज एक्विजिशन और एनी अदर मीन्स विद और विदाउट कंसिडरेशन ऑप्शन आर आउटवर्ड सप्लाई इनवर्ड सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई नन ऑफ दी अबाव तो डैश रेफर्स टू रिसीट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेदर बाय परचेज एक्विजिशन और एनी अदर मीन्स तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका इनवर्ड सप्लाई क्या बनेगा इनवर्ड सप्लाई इनवर्ड सप्लाई को ही हम कहते हैं जो भी आप रिसीट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज हो गए या दोनों हो गए परचेज होगा एक्विजिशन होगा एनी अदर मीन्स होगा विद और विदाउट कंसिडरेशन इसको हम इनवर्ड सप्लाई कहते हैं और नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं एट नंबर सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विच कॉन्स्टिट्यूट्स प्री एलिमेंट ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई इज कॉल्ड एज कॉमन सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई मिक्स सप्लाई या कंटिन्यूस सप्लाई तो इसका राइट right आंसर आपका बनेगा प्रिंसिपल सप्लाई बहुत सारे लोगों ने मिक्स सप्लाई मार्क किया होगा तो वो गलत आंसर है सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विच कॉन्स्टिट्यूट्स प्री डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई कॉम्पोजिट सप्लाई ये सोच के मिक्स सप्लाई मार्क नहीं करना है टैक्स रेट ऑन द गुड्स इज डिटरमाइंड बाय तो गुड्स पे जो टैक्स रेट है वो कौन डिटरमाइन करता है यूनियन बजट स्टेट बजट जीएसटी काउंसिल या सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट तो काफ़ी सिंपल एम था गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल जो है वही सारे रेट्स ऑफ टैक्सेस डिसाइड करता है नेक्स्ट है टेंथ नंबर एवरी पर्सन शैल हैव डैश इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी तो एवरी पर्सन के पास क्या होना चाहिए uh, इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द जी एस टी उसके पास होना चाहिए पैन नंबर परमानेंट अकाउंट नंबर उसके पास होना चाहिए तो ही वो एलिजिबल हो जाएगा जी एस टी रजिस्ट्रेशन करने के लिए ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन द गुड्स इज अ सप्लाई ऑफ डैश टाइटल इन द गुड्स इज अ सप्लाई ऑफ डैश गुड्स सर्विस इज बोथ या नन ऑफ द अब तो ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन द गुड्स इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स so ओनली तो दैट इज़ अ सिंपल एम सी क्यू नेक्स्ट एक फुल फॉर्म पूछा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क रेफर्स टू तो जी एस टी एन का मतलब जी एस टी एन गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क होता है लेकिन यहाँ पे हमको पता है जी एस टी आई एन तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए ये जो फुल फॉर्म है ये क्या है जी एस टी इन्फॉर्मेशन नंबर जी एस टी इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क जी एस टी आइडेंटिफिकेशन नंबर जी एस टी आइडेंटिफिकेशन नेटवर्क या जी एस टी आइडेंटिफिकेशन नंबर तो इसका राइट right आंसर है आपका जीएसटी आई एन का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर तो दीज आर द दीक्यूज तो वी हैव डिस्कस ऑल दी द एक्सप्लेनेशन लेट अस सी क्वेश्चन नंबर वन बी एंड विच वॉज आस्क स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स एनी टेन आपको सॉल्व करने थे तो देखते हैं बहुत सिंपल था द बैलेंस ऑफ सी जी एस टी क्रेडिट आफ्टर सेट ऑफ़ सी जी एस टी कैन बी यूज टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ आई जी एस टी ऑब्वियसली हमारा जो सी जी एस टी का बैलेंस होता है वो अगर हम सेट ऑफ कर लेते हैं एडजस्ट uh, कर लेते हैं तो आई जी एस टी में लेके जा सकते हैं कि नहीं तो ये इसका आंसर बन जाएगा ट्रू लेके जा सकते हैं नेक्स्ट हमारा है वैल्यू ऑफ सप्लाई इज द अमाउंट अपॉन विच टैक्स इज लेविड एंड कलेक्टेड ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर ही हम टैक्स सी और एस कैलकुलेट करते हैं तो इसका भी आंसर हमारा बनेगा ट्रू नेक्स्ट पॉइंट रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स शैल इशू अ टैक्स इन वॉयस विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स ऑब्वियसली नॉट इसका आंसर है फॉल्स थर्टी डेज में इशू नहीं होता है द सप्लाय द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ट्रेनिंग सर्विसेस विल बी वेर सर्विसेस आर एक्चुअली परफॉर्म्ड वेदर द रिसिपेंट इज रजिस्टर्ड और नॉट रिसिपेंट रजिस्टर्ड होना ही चाहिए तो इसका भी आंसर आपका बन जाएगा फॉल्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ सप्लाई बेस्ड टैक्स ऑब्वियसली नॉट सप्लाई बेस्ड टैक्स नहीं है इट्स अ डेस्टिनेशन बेस कंजम्पशन टैक्स हम जिसको बोल सकते हैं तो जी जो है डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है तो इसका भी आपका आंसर बन जाएगा फॉल्स ठीक है बहुत सारे फॉल्स दिए हैं यहाँ पे अंडर फॉरवर्ड चार्ज द रेसिपियट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इज लाइबल टू पे टैक्स नो अंडर फॉरवर्ड चार्ज इट इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स तो इसका भी आंसर बन जाएगा फॉल्स सर्विसेज टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर एग्जेप्ट ऑब्वियसली नॉट सर्विसेज टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर टैक्सेबल तो इसका भी आंसर बन जाएगा फॉल्स नेक्स्ट पॉइंट है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया शैल बी द लोकेशन ऑफ दैट एक्सपोर्टर ऑब्वियसली नॉट इसका भी आंसर बन जाएगा फॉल्स तो प्लेस ऑफ 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 सप्लाई द गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया लोकेशन एक्सपोर्टर नहीं होता है लोकेशन जहां से गुड्स ट्रांसफर हुआ है वही होगा सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश अंडर एनी लॉ इज द सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑब्वियसली नॉट इसका भी आंसर हो जाएगा फॉल्स मैक्सिमम फॉल्स दिया था इस बार रेट ऑफ कॉम्पोजिशन फॉर ट्रेडिंग फॉर्म इज फाइव परसेंट नो इट्स नॉट फाइव परसेंट इट्स सिक्स परसेंट तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स अंडर जी एस टी लॉ द वैल्यू ऑफ द सप्लाई शेल नॉट इंक्लूड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस बिल्कुल भी नहीं इंसिडेंटल एक्सपेंसेस उसमें इंक्लूड हो जाता है तो ये नहीं बोल रहा है तो ये बोलेगा फॉल्स इनपुट टैक्स क्रेडिट शेल बी अलाउड ओनली ऑन द सपोर्ट ऑफ टैक्स इन इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसको हम आई कहते हैं ये तभी अलाउ होता है जब भी आप सपोर्ट में टैक्स इन सबमिट करोगे बेसिकली सही बोल रहा है तो इसका आंसर बन जाएगा ट्रू तो इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट सेकेंड और ट्वेल्थ नंबर का आंसर फॉल्स है बाकी सारे के सारे जो आंसर्स है वो सारे के सारे आंसर्स हमारे आ, फॉल्स ही होंगे तो आई होप कि आपको ये ऑब्जेक्टिव समझ में आए होंगे ऐसे ही हम बाकी के सारे क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे कैसे पॉइंट्स थे कैसे आपको सॉल्व कर रहे थे एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके रखें बिकॉज ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पे लास्ट मिनट रिवीजन रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे और ऐप भी अवेलेबल है वो डाउनलोड करना ना भूलें सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है थैंक यू वेरी मच ब बाय टेक केयर